हेलो मेरे पढ़ाकू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपनी रिवीजन सीरीज़ में कुछ रिवाइज करेंगे टेक्सचुअल एमसीक्यूज, मतलब जो हमारी बुक्स हैं उनके चैप्टर से जो एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हम उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अ लेटर टू गॉड से, जिसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन है हु रेड द लेटर्स सेंट बाय लेंचो। जो लेंचो ने लेटर्स भेजे थे वो किसने पढ़े थे, ठीक है? तो इसका सही आंसर है पोस्टमास्टर बी, द पोस्टमास्टर रेड द लेटर्स सेंट बाय लेंचो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड। तो जैसे मैंने अपने वीडियोस में बताया है आपको, समरी वाले वीडियो जिनकी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है, आप उनमें से जाकर देख सकते हैं इसकी समरी। तो जो अ लेटर टू गॉड है ये एक मेक्सिको के राइटर, मेक्सिको कंट्री, ठीक है, मेक्सिको के राइटर जी एल फ्यूएंटेस ने लिखा है, और ये आपको सही आंसर ए ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज। लेंचो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी होते हैं उनके बारे में क्या सोचता है कि वो लोग कौन थे, ए रूड मतलब गुस्सैल थे, कठोर थे, यहाँ बी और सी थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, बी प्राउड बहुत ज़्यादा घमंडी थे, सी बंच ऑफ क्रूक्स मतलब बेवकूफ़ों का ग्रुप, या डी अनहेल्पफुल मदद ना करने वाले थे। तो जब लेंचो को जितने उसने पैसोस मांगे थे उतने पैसोस नहीं मिलते हैं तो वो गुस्से में आके पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज़ को बंच ऑफ क्रूक्स बोलता है। तो आपका सही आंसर हो गया सी, बंच ऑफ क्रूक्स। ये वर्ड्स याद करना ज़रूरी है क्योंकि आप इनको अपने आंसर्स में भी यूज़ करके अच्छा स्कोर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच मनी वॉज अरेंज्ड बाय द पोस्ट मास्टर। लेंचो की मदद करने के लिए पोस्ट मास्टर कितने मनी, कितना पैसा जोड़ पाया था, क्योंकि लेंचो ने कितने मांगे थे, 100 पैसोज मांगे थे, और पोस्ट मास्टर उसमें से सिर्फ 70 पैसोज जोड़ पाए थे अपनी सैलरी और दोस्तों के साथ। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो है डी, 70 पैसोज जोड़ पाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच मनी डिड लेंचो वॉन्ट। लेंचो को कितने पैसों उसकी ज़रूरत थी, तो इसका सही आंसर आपका पहला ही है 100 पैसोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड इन फिल इन द ब्लैंक्स। बारिश के साथ साथ ओले गिरने लगे थे तो जो फील्ड थी, खेत थे लेंचो के, वो कैसे दिखने लगे थे, वो ऐसे दिखने लगे थे जैसे वो सॉल्ट मतलब नमक से जम गए हों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंचो हैड ग्रोन फिल इन द ब्लैंक्स इन हिज फील्ड्स। लेंचो ने अपने खेत में क्या उगाया था, बार्ले कॉर्न राइस वीट। तो उसने अपने कॉर्न अपने खेत में मक्का उगाया था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। लेंचो का घर कहाँ पर था, इन अ सिटी शहर में था, इन द फॉरेस्ट एक जंगल में था, बॉटम ऑफ द हिल एक पहाड़ी के नीचे था, या टॉप ऑफ अ हिल एक पहाड़ी के ऊपर था। तो इसका सही आंसर है डी, टॉप ऑफ अ हिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंचो कंपेयर्ड द लार्ज रेन ड्रॉप्स विद। तो जब लेंचो की फील्ड को सिर्फ बारिश की ज़रूरत थी और वो बारिश होने लगती है तो लेंचो उन बड़ी बड़ी बूंदों को किससे कंपेयर करता है, किससे एक सा मिलाता है। आपका ऑप्शन है ए, न्यू कॉइन्स नए सिक्कों की तरह, डायमंड्स हीरों की तरह, पर्ल मोती की तरह, या स्टोन पत्थर की तरह। तो आपका सही आंसर इसमें न्यू सिक्कों की तरह, क्यों, क्योंकि जब बारिश होगी तो उसकी फसल अच्छी होगी और फसल जब अच्छी होगी तो उसको अच्छे पैसे मिलेंगे, इसलिए वो क्यों कॉइन्स से कंपेयर करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10, व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड्स। लेंचो के खेत ने किसने ख़राब कर दिया था, लोकस ने, टिड्डियों के झुंड ने, हिल स्टोन ने, ओलों ने, लीव्स पत्तियों ने, या सॉल्ट नमक में। तो ये देखो ये दोनों तो आपके ऐसे ही कैंसिल हो गए। अब लोकस नहीं है क्योंकि अभी अपन ने इसके पहले देखा कि जो उसकी फील्ड थी उसका खेत था वो ऐसे दिखने लगा था जैसे बर्फ से या नमक से ढक गया हो। तो इसका सही आंसर हो गया बी, हिल स्टोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंचो हैड फेथ इन। लेंचो को किस पर विश्वास था, अदर फार्मर्स दूसरे किसानों पर, द पोस्ट मास्टर या द गॉड भगवान पर, या हिज फैमिली अपने परिवार पर। तो उसको सबसे ज़्यादा विश्वास गॉड पर था, इसलिए इस चैप्टर का नाम भी अ लेटर टू गॉड लिखा हुआ है, रखा हुआ है। 12th क्वेश्चन,
वाई डिड लेंचो नीड मनी, लेंचो को पैसों की क्यों ज़रूरत थी? टू सेव हिज फैमिली, अपने परिवार को बचाने के लिए। टू बाय अ ट्रैक्टर, ट्रैक्टर खरीदने के लिए। टू गो टू सिटी, शहर जाने के लिए। या टू हर्ड कैटल्स, अपने भेड़ बकरियों को चराने के लिए। तो इसका सही आंसर है टू सेव हिज फैमिली, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, कि वो एक साल तक जब उसकी फसल ख़राब हो गई है तो अब उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे, तो वो एक साल तक कैसे घर चलाएगा, इसलिए उसको पैसों उसकी ज़रूरत थी। लास्ट क्वेश्चन, लेंचो रोट अ लेटर टू, लेंचो ने किसके लिए लेटर लिखा था? वो पत्र लिखा था हिज फ्रेंड, अपने दोस्त से मदद मांगी थी। द पोस्टमास्टर से मदद मांगी थी। या गॉड, भगवान से। और लास्ट ऑप्शन आपका हिज फादर, अपने पिता से। तो इसका सही आंसर है गॉड, जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम भी है आ लेटर टू गॉड। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इस चैप्टर की समरी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप उसे भी देखकर स्टोरी को अच्छे से समझ सकते हैं। थैंक यू।